हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथेक्सिस सी क्लास टेन चैप्टर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू में मैंने आपको बताया था कि जब भी, भी हम किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें तीन कंडीशंस मिलते हैं फर्स्ट कंडीशन मिलता है कि ए वन इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई कंडीशन मिलेगा कि ए वन इज इक्वल टू बी वन एंड इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू एंड थर्ड कंडीशन होता है ए वन बाई ए टू इज इक्व टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्व टू सी वन बाई सी टू ठीक है तो ये तीन कंडीशन हमें मिलते हैं जब जब कभी भी हम किसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं ठीक है यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू क्या है कोफिशियट ऑफ एक्स है बी वन बाई बी टू कोफिशियंट ऑफ वाई है तो ये दो ये दो कंडीशन होते हैं जिसमें लाइन बनती है इंटरसेप्ट एट ए पॉइंट इंटरसेप्ट एट ए पॉइंट एंड सेकेंड में लाइन जो बनती है कोंसिडेंट इन दोनों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट क्या कहते हैं कंसिस्टेंट इनके बाद ये दो कंडीशन आते हैं तो जो इक्वेशन हो कैसा है कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट कहने का मतलब कि उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा ठीक है इसमें लाइन कैसा बनती है पैरल कैसे बनती लाइन पैरल इसको कहते हैं हम इनकसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट जब इस टाइप का इक्वेशन का सॉल्यूशन uh, मिलेगा यानी कि इस टाइप का इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंडीशन आएगा तो लाइन कैसी होगी पैडल होगी और सॉल्यूशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट होगा यानी कि नो no सॉल्यूशन होगा क्या होगा नो सॉल्यूशन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उन्हें कंपेयर करके बताना है कि कौन सा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश्स कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है ठीक है तो इसमें सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फाइव एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू सेवन यानी जब इसमें एक्स को एक्स के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे यानी इनका रेशियो आएगा थ्री बाई टू यानी कि वन अपॉन ए टू आएगा थ्री बाई टू एंड बी वन बाई बी टू यानी कि y के कोफिशेंट को जब हम फाइंड करेंगे इनका रेशियो आएगा टू अपॉन माइनस थ्री एंड सी वन बाई सी टू आ जाएगा फाइव बाई सेवन ठीक है यानी कि जो ए वन अपॉन ए टू है वो बी वन बाई बी टू इक्वल नहीं है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू यानी एक ऐसा होगा कंसिस्टेंट पहला जो थ्री का पार्ट फर्स्ट है वो कैसा है कंसिस्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कंसिस्टेंट है थ्री का सेकंड क्वेश्चन है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्व टू एट एंड फोर एक्स माइनस सिक्स वाई टू नाइन जब इसमें हम ए वन और अपॉन ए टू को कंपेयर करेंगे तो ए वन बाई ए टू क्या होगा टू बाई फोर यानी कि वन बाई टू बी वन बाई बी टू को फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस सिक्स यानी ये भी आएगा वन बाई टू एंड सी वन बाई सी टू कंपेयर करेंगे तो आएगा एट बाई नाइन यानी कि अब जब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो ए वन अपॉन ए टू वन बाई टू बी वन बाई बी टू वन बाई टू यानी दोनों इक्वल है आपस में यानी कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू यानी कैसा है थर्ड कंडीशन लाइन पैरेलल है और सॉल्यूशन कैसा है इनकसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है बताने के लिए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है ठीक है थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है थर्ड दे रखा है कि थ्री अपॉइंट टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन एंड नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल्स टू फोर्टीन तो हमें इन्हें कंपेयर करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करें थोड़ा सा इसको हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या होगा एलसीएम हो जाएगा इसका सिक्स ये हो जाएगा नाइन एक्स ये हो जाएगा टेन वाई एंड सेवन यानी कि नाइन एक्स प्लस टेन वाई टू फोर्टी टू ठीक है तो इस फर्स्ट इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो गया है ये क्या बन गया है अब नाइन एक्स प्लस टेन बाई इक्वस टू फोर्टी टू यानी कि जब कंपेयर करेंगे तो ए वन बाई ए टू आएगा नाइन बाई नाइन बी वन बाई बी टू आएगा नाइन बाई नाइन यानी कि वन एंड बी वन बाई बी टू आएगा टेन अपॉइन माइनस टेन यानी कि माइनस वन एंड सी वन बाई सी टू आएगा सेवन अपॉन्ट फोर्टीन यानी कि वन बाई तो हम पहले पार्ट को यानी कि ए वन अपॉन ए टू को बी वन बाई बी टू से कंपेयर करेंगे फाइंड करेंगे कि दोनों इक्वल नहीं है दोनों इक्वल नहीं है ये प्लस वन है और बी वन बाई बी टू माइनस वन है यानी कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू यानी कि सॉल्यूशन कैसा है कंसिस्टेंट क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसको फर्स्ट कंडीशन सॉल्यूशन कैसा है कंसिस्टेंट है फोर्थ है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू इलेवन एंड माइनस टेन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू ठीक है सेकेंड है फोर्थ है पार्ट है तो इसमें जब हम ए वन अपन ए टू कंपेयर करेंगे तो होगा फाइव एक्स बाई माइनस टेन यानी कि माइनस वन बाई टू बी वन बाई बी टू को फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस थ्री अपॉन सिक्स यानी ए भी होगा माइनस वन बाई टू एंड वन बाई सी टू को फाइंड करेंगे तो आएगा इलेवन अपॉन माइनस ट्वेंटी टू यानी भी होगा माइनस वन बाई टू यानी कि तीनों का ही रेशियो क्या मिल रहा है सेम आ रहा है यानी कि वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू एंड इक्वल टू सी वन बाई सी टू देन सोल्यूशन कैसा होगा कंसिस्टेंट क्योंकि सेकेंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है किसको सेकेंड कंडीशन को तो कैसा सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट थ्री का फिफ्थ पार्ट है फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्व टू एट एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्व टू ट्वेल्व ठीक है तो जब इसको हम एल्सियम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो 4x 3 6y 24 ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस थ्री टू जो सिक्स वाई इक्व ट्वेंटी फोर एंड ये सेकंड इक्वेशन जब इनको इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ए वन बाई एट टू आएगा फोर बाई टू बी वन बाई बी टू आएगा सिक्स बाई थ्री एंड सी वन बाई सी टू आएगा ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व यानी कि टू से कटेगा तो टू थ्री से सिक्स कटेगा तो टू एंड ट्वेल्व से टू यानी कि टू यानी कि ए वन बाई ए टू भी टू है बी वन बाई बी टू भी टू है एंड सी वन बाई सी टू भी टू है तीनों का रेशियो क्या है आपस में इक्वल है एवन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू है यानी सोल्यूशन कैसा है कन कंसिस्टेंट कैसा है कंसिस्टेंट ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन था थैंक यू